नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ जिला न्यायाधीश द्वारा किया गया। अधिवक्ताओं, कर्मचारी एवं पक्षकारों की उपस्थिति में मां सरस्वती और महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। उक्त शुभारंभ के बाद जिला न्यायाधीश बीआर पाटिल द्वारा नेशनल लोक अदालत में प्रकरण निराकरण हेतु बनाए गए विभिन्न विभागों के काउंटरों का अवलोकन किया गया। जिला न्यायाधीश द्वारा विभिन्न विभागों के काउंटर पर जाकर उपस्थित संबंधित विभाग के अधिकारियों, पक्षकारों की समस्या एवं आम लोगों को सुना जाने एवं यथाउचित निराकरण किया जाने तथा त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए गए। निराकृत मामले में पक्षकार पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से राजीनामा के स्मृति चिन्ह के रूप में पौधे भी निःशुल्क प्रदान किए गए। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी पक्षकार हैं और जिनका जो है विद्युत के मामले में या उनसे आने वाले जो बिल में जो उनको थोड़ा सा असंतोष होता है, तो असंतोष को दूर करने के लिए हमने प्री लिटिगेशन के माध्यम से और जो रेगुलर केसेस है उसमें रेगुलर नोटिस जारी करके प्रयास ये किया है कि उनको अधिक से अधिक राहत दी जाए। और जो सरकार के द्वारा जो घोषणा राहत है उससे भी हम चाहते हैं कि उससे भी कुछ कम करके उनको रिलीफ दी जाए। और उम्मीद है कि हमारे जो अधिकारी जो अभी एमपीपी के बैठे हुए हैं वो निश्चित रूप से सारे लोगों के जो बिलों है जो दर्शाई की राशि है उसमें कम से कम 50% राशि का लेकर रिलीफ देते हुए और उनको मदद कर। हर तहसील में लोक अदालत हो रही है, बड़वा, सनावर, दिकनगांव, खरगोन, कसरावर, महेश्वर और मल्लेश्वर, इन सारी जगहों पर आज लोक अदालत का आयोजन किया गया है। और उम्मीद है कि अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों का निराकरण होगा और आम जनता को उसका लाभ मिलेगा, उनके मुकदमों का निराकरण में सहयोग होगा।